नमस्कार दोस्तों, आपका जॉब अलर्ट चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और जरूर कमेंट जरूर करें। आओ, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, कृपया करके कोई भी कैंडिडेट इस इंफॉर्मेशन को, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि हो सकता है अभी आप स्किप करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। ठीक है जी। जो आपने SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जबकि जो कि MTS की मल्टी टास्किंग स्टाफ की नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, जिसकी लास्ट डेट 23 मार्च थी, 23 मार्च थी, और 24/9 यानी कि 24 सितंबर को इसके एडमिट कार्ड आने थे, बट पूरे कंप्लीट नहीं आए आए हैं। उसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जो कि Tier 1 का एग्ज़ाम था वो 5 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में फाइनल हुआ है, और जो Tier 2 का एग्ज़ाम था वो 21 नवंबर के अराउंड में फाइनल हुआ है, और इसमें टोटल पोस्ट 10,000 के प्लस थी। ठीक है जी। और 10th बेस पे ये पोस्टें थी, और आपको बता देते हैं, ये देखिए CR Tier 1, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर कोई कैंडिडेट जाए, मान लो ऐसे कोई ब्राउज़र हैंग होता है तो वेट मत कीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर आपके पास मान लो भाई इसमें आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता, उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। और उसके बाद NWR का एडमिट कार्ड, वो भी आ चुका है। और आपको बताएं, इसमें जैसे जो पहले में था TR का, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन ID, बर्थ डेट डाल के और सिटी डाल के आपने यहाँ से अपना ढूंढ लेना है जी। और अगर पास आपके पास एप्लीकेशन ID नहीं है, रजिस्ट्रेशन ID नहीं है, तो आप अपना रोल नंबर डाल के भी कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना नाम फादर नेम में फिलअप करके भी यहाँ से सर्च कर सकते हो। और इसकी बात कर लेते हैं अपन, जो कि इसमें आपको पहले यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ फाइनल करनी, ठीक है। नॉर्थन वेस्टर्न का है ये देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन चंडीगढ़ का ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एडमिट कार्ड है। अगर आपने NR नॉर्थन में भरा है, वो सेंट्रल रीजन था, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और ये नॉर्थन रीजन है, ठीक है जी। अगर आपने जिस भी रीजन में भरा है, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नॉर्थन, आपने नॉर्थन में फिलअप किया है, ये देखिए नॉर्थन रीजन में आपने अगर फिलअप किया है, तो यहाँ पे आप अपनी ID डाल के, फादर नेम डाल के और बर्थ डेट डाल के सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो रोल नंबर डाल के सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप अपना कंप्लीट नेम और फादर नेम डाल के सर्च कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है, और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना यूजर नेम ID अपने डाल के आप यहाँ से भी अपना सर्च करके, उसमें सेकंड ऑप्शन पे MTS आएगा, MTS पे आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड, वहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन शो ऑफ हो जाता है, वहाँ से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के सारे लिंक आपको नॉर्थन वेस्टर्न का, सेंट्रल रीजन का, नॉर्थन वेस्टर्न रीजन का और नॉर्थ रीजन का, आपको एडमिट कार्ड का ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक है अदर जोन Tier 1, ठीक है। अदर जोन ये रीजन टाइप अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है, और ये भी आपको पूरे के पूरे लिंक भी आपको और जिस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो लॉगिन ID का है, ये भी आपको उस इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर किसी को ये लिंक ओपन नहीं होता है तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार साइट एरर होता है, कई बार नेटवर्क एरर होने के कारण ये फर्स्ट टाइम ओपन नहीं हो पाता, ठीक है जी।
उम्मीद करते हैं भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि जिनका MTS में फिलअप किया है फॉर्म वो अपने एग्ज़ाम से ना रह पाएँ, ठीक है जी। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू।